वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी। छोले चना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काबुली चना, बड़े साइज वाले इस तरह के चना बॉईल कर दिए हैं। 2 घंटे आप गर्म पानी में भिगोकर 2-3 सीटी में इस तरह से बॉईल करके, इस तरह से हम चना जब तक सॉफ्ट हो तब तक हमें बॉईल करना है। सब्जियाँ में एक बड़ी साइज का प्याज, 2 छोटे टमाटर, लहसुन अदरक जो हम मिक्सी में ऐड करके, प्याज भी ऐड करके मीडियम पेस्ट बना लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल ऐड करके, ऑयल जब गर्म हो तो उसमें हम जीरा ऐड करेंगे, हींग, तेज पत्ता ऐड करके हम अदरक लहसुन और ऑनियन की पेस्ट ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। साथ ही में इसी मिक्सचर जार में हम टमाटर ऐड करके वो भी पीस लेंगे। प्याज अच्छे से सौते हो रहे हैं, जिसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप पेस्ट थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। मिक्सचर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम सारा जो पल्प है वो यूज़ कर लेंगे। 10 मिनट के बाद टमाटर और प्याज की प्यूरी अच्छे से कुक हो गई है, जिसमें हम 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आपको आप जितना तीखा ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हो। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आपको कुकर में से ऐड करना है जो हमने चना बॉईल करते वक्त ज़्यादा डाला था, उसी में से मैंने ऐड किया है। ग्रेवी को और अच्छे से हम कुक करेंगे। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये आप तड़का लगाते वक्त भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो एकदम अच्छे से कुक हो जाए। ग्रेवी अगर आपको एकदम थिक करनी हो तो आप बॉईल किया हुआ पोटैटो भी ऐड कर सकते हो। चना हमने ऐड कर दिया है पानी के साथ ही। सारे मसालों की एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है, तो धीरे धीरे ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए। ग्रेवी आपको जितनी ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से आप पानी की मात्रा में कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बहुत ही झटपट ये सब्जी बन जाती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें सब्जी की आवश्यकता होती है। ये 3 से 4 लोगों के लिए सर्विंग है। थोड़े से धनिया पत्ते इसमें ऐड करेंगे। ये सब्जी आप पूरी के साथ, पराठा के साथ सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे पराठा के साथ सर्व किया है।